मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनके ओहदे का हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिदक़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत तौहीद क़ादर मुतलक अल्लाह तबारक व ताला कुतुब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है नबुव्वत हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातमुन्नबीयीन जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता रोज़े क़यामत और कुरान पाक उस जुमला मुक्तदियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे ज़ाहिर करूंगा जो बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा जबकि बहसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। मुबारक
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बरदारी जारी थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लिया है और तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और तकरीब में पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़ीरे आला भी मौजूद हैं और तकरीब हल्फ बरदारी जारी थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया है। इस वक्त तमाम मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। चारों सूबों के वज़रा आला का मदु किया गया था और लेकिन जो नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जबकि बाकी तीनों सूबों के वज़रा आला यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर काबरीन सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को भी मदु किया था और भी आर्मी चीफ को भी यहाँ पर मदु किया गया था और तमाम जो हैं अदारों के सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर यह तकरीब हलबरदारी मुनक्किद की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है और वो दूसरी बार भी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सिग्नेचर्स का जो काम है वो जारी है, सिग्नेचर का अमल जो जारी है और इस वक्त शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अदारों के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों वज़रा आला भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक दार और भी दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। इस हल्फबरदारी की तकरीब में यहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली में भी वज़ीर आला रहे और इससे कबल अब दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, 16 माह की हुकूमत रही है उनकी और उसके बाद अब दोबारा इलेक्शंस के बाद वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। इत्तेहादी पार्टियों के वज़ीर आज़म के तौर पर वो सामने आए हैं और अब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बरदारी जारी थी और अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लिया है और गुज़िश्ता रोज़ 201 वोट लेकर दूसरी बार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लिया है। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़ीरे आला भी मौजूद हैं तकरीब में। तकरीब की बात की जाए तो तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर हल्फ बरदारी की तकरीब जो है वो उसका आगाज़ हुआ और सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से वज़ीरे आज़म के ओहदे का हल्फ लिया और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हल्फ लिया। सियासी और समाजी शख्सियात भी तकरीब में मौजूद हैं। सिंध पंजाब बलूचिस्तान के वज़ीरे आला भी वहां पर मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी जो सबसे पहले थे वो भी वहां पर मौजूद हैं और सियासी और समाजी शख्सियात को भी दावतनामे अरसाल किए गए थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर सैनट और कौमी असम्बली के जो स्पीकर उन्होंने भी शिरकत की और आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी शिरकत की।